ओके तो जैसा कि पता है आपको, हम देख रहे हैं हमारा फिजिक्स जो कि चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके हम जो टॉपिक देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स। तो हमने तीन केसेस जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में फिनिश कर चुके थे। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था हमने रखा था इंफिनिटी पोजिशन पे, तो जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो फोकस पे हो रही थी, ठीक है। सेकेंड हमने रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जो इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो क्या हो रही थी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, है ना। और जो इमेज थी वो क्या थी, हाई डिमिनिश्ड थी, और फर्स्ट वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड थी, ठीक है। और जो थर्ड केस देखा था हमने क्या रखा था, अब जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रख दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जो इमेज थी वो हमारी कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही थी। और जो इमेज का साइज था वो सेम था, और तीनों ही केसेस में जो इमेज थी वो रियल और इन्वर्टेड थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ केस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे 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 क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर के पास मिलाएंगे। तो हम कहाँ तक ला चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। अब हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका सेंटर, ठीक है। फोकस थोड़ा सा और मीडियम में ट्राई करके बनाना, ओके, ठीक है। अब क्या है, अब आपने यहाँ तक इमेज रख ली थी, सॉरी यहाँ तक ऑब्जेक्ट रख लिया था। अब आप कहाँ रख रहे हैं, अब आप रख रहे हैं सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अब आपने इमेज कहाँ रखी है बेटा, सेंटर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी। तो पहली रेस तो हमने पैरेलल निकाल दी, ठीक है, आपकी रेस, ठीक है, पैरेलल है तो हमें पता है फोकस से होकर जाएगी। ये रहा आपका फोकस, ठीक है। अब उसके बाद एक रे हम निकालते हैं फोकस से होकर, ठीक। तो ये रे आपकी फोकस से होकर आई तो कहां जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आलोक जी को ले लेते हैं, आलोक जी आज 15 मिनट लेट हैं, कहाँ चले गए थे, ठीक है, ओके बेटा। तो देखिए रिफ्लेक्टिव रेस कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो इमेज जो है वो कैसी होगी, ये रही आपकी इमेज, क्लियर है, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, सबसे पहले तो पोजीशन क्या है। अच्छा आप लोग ना जब भी रे डायग्राम बनाया करिए तो प्रॉपर नेमिंग किया करिए, है ना। जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे हमने मिरर का नेम ले लिया MN, ठीक है। आपकी जो ये रे है जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, वहां पे भी आप नेम ले सकते हैं, मान लीजिए इसको डी ले लिया, कुछ भी, ठीक है, और इसको ई ले लिया, जो भी आपको लेना हो, है ना। कशिश लोधी जी भी अभी आए, ठीक है। अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट, इसको आप मान लीजिए ए बी, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आप मान लीजिए ए डैश बी डैश, मतलब ये जो आपकी इमेज है। तो ऐसे पूरा नेमिंग करिएगा, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया है, तो ये सब भी ध्यान रखा करिए, ठीक है। तो अब बेटा हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म हो रही है इमेज। और जो इमेज है उसका साइज क्या है, अब इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब इमेज सेंटर, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटर एंड फोकस के बीच में होता है, तो उसकी इमेज फॉर्म होती है सेंटर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो लिख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिर पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, सेंटर के पीछे, तो आप बोल सकते हैं बिहाइंड सी। साइज क्या है इमेज का, साइज ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है, ठीक है।
इस ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है बेटा, लार्ज है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, एनलार्ज। देन उसके बाद क्या आता है आपका, नेचर। अभी भी मिरर के सामने बनी है, मतलब रियल, उल्टी बनी है, इनवर्टेड। क्लियर है आपको केज फोर? क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा केज फोर? यस मिस। समझ में आ गया सभी को केज फोर? ठीक है, यस मिस। ओके, और ये आप एनलार्ज को मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनलार्ज को क्या बोल सकते हैं, मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा केज फोर। अब आते हैं केज फाइव में, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट केज फाइव में आते हैं। चलो केस फाइव में आप ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आते हैं। अभी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे था, सेंटर और फोकस के बीच में। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे फोकस पर। तो चलिए ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस, ठीक है। एक रेंज हमने क्या की, पैरेलल निकाली, ठीक है, फोकस से होकर गई, ठीक है ना। अब फोकस से अब आप नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस से रखा हुआ है। तो आप कौन सी रेज निकाले बताइए जरा मुझे फटाफट। हमने बहुत सारी रेज पढ़ी थी, है ना। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमने वही पढ़ा था, पैरेलल जाएगी। तो एक लास्ट वाली रेज थी, किसी को याद है कि कैसे थी वो? पोल पे, ठीक है। नहीं आ रहे तो मैं याद दिला देती हूँ कि अब आप क्या करेंगे, कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, पोल पर, ठीक है। तो ये रेस कहाँ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब बोलेंगे कि यहाँ तो मिल ही नहीं रही है, अभी बात करते हैं, ठीक है। अब मन हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल लीजिए, नहीं माने तो छोड़ दीजिए, और अगर है तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल लीजिए, मींस ये तो कहीं मिली नहीं, अब इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो बेटा देखिए ये क्या है, रेस आपको पैरेलल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये रेस आपको कैसे दिखाई दे रही होगी, पैरेलल, ठीक है। और बेटा ये पैरेलल जो रेस है इंफिनिटी में जाकर ये मिल जाएंगी। तो आप बोलेंगे मींस ऐसे कैसे मिल जाएंगी, हमने तो मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जो पैरेलल रेज होती है वो कभी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर इन फिजिक्स में यहाँ पर इस जगह जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये पैरेलल जो ऐसी लग रही है पैरेलल, ठीक है। एग्जैक्टली में क्या होता है, इतनी पैरेलल नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली होती है ना, ठीक है। वो हमें रे डायग्राम में दिख रहा है कि हाँ इतना स्पेस है इनके पीछे, इनके बीच में इतना स्पेस है तो पैरेलल है, नहीं। लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये क्या होंगी बेटा, एक इंफिनिटी पोजीशन पे जाकर क्या होंगी, मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे मिलेंगे वहां पे हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो, सॉरी, जहां पर ये मिलेंगे वहां पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आकर कहीं मिल गई, मैं यहाँ पे इमेज कर दू, ठीक है ना, यहाँ पे आके मिलकर मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब डैशबोर्ड की बात तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, तो मैंने यहीं पे उन्हें मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मिल गए। तो आपको वो पहला वाला केस याद आ रहा है, क्या था उसमें, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे, ठीक है। मतलब जस्ट इसका अपोजिट, आपका ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, फोकस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे, ठीक है। क्लियर आया, मतलब क्लियर हुआ, इसमें डाउट तो नहीं है, समझ में आया। पैरेलल है लेकिन वो क्या है,
जाती जा रही है तो मतलब क्या हो रहा है, एक सर्टन पोजीशन पे एक मिल रही है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो, एक सेकंड रुकिए, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, वीडियो स्टॉप हो रहा है। तो बेटा वीडियो स्टॉप हो रहा है मतलब ब्लर हो रहा है, तो सबके साथ दिक्कत हो रहा है कि सिर्फ कृष्णा के साथ दिक्कत हो रहा है? सबको प्रॉपर दिख रहा है मेरा वीडियो, मतलब क्लियर दिख रहा है आपको? यस मिस। नो मिस। ओके बेटा, तो जिसके वहां पे स्टॉप हो रहा है वो वहां से नेटवर्क इशू है, मतलब आपके उधर से, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम कहाँ पे थे, क्या था, हाँ साइज की बात कर रहे थे। तो साइज जो होगा बेटा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे इमेज का साइज होगा हाईली एनलार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे रेज जाती जा रही है, तो देखिए किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे भी मिलेगी, तो जो क्या बोलते हैं आपकी इमेज होगी वो क्या होगी, बहुत लार्ज होगी। तो यहाँ पर क्या बोलूंगी मैं, हाईली एनलार्ज। अच्छा नेचर बताइए, अभी भी मिरर के सामने है तो रियल है और इन्वर्टेड ही है, तो यहाँ पे क्या होगी, रियल इन्वर्टेड। अभी तक हमने जो भी केसेस पढ़े हैं, 5 केसेस पढ़े, सब में हमारी जो इमेज थी वो रियल थी है, इन्वर्टेड थी, ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आ जाइए लास्ट वाले केस में जो कि सबसे अलग है, ठीक है, लास्ट वाला केस जो है वो आपका इन सबसे अलग है, देखते हैं क्या है वो। चलिए ये हमारा कौन क्यों आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हमारा, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, लास्ट हमारी जो पोजीशन है वो है फोकस और सेंटर के, सॉरी फोकस और पोल के बीच, है ना। चलिए रेज निकाल देते हैं, तो एक रेज तो हमने निकाल दी पैरेलल, ठीक है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, ये हो गई आपकी फोकस से होकर गए। आप इसमें भी क्या करें, पोल से निकाल दें, ये रहा पोल, ठीक है, ये आपकी निकल गई, है ना। उसके बाद आपको सेंटर से भी निकालना है, तो सेंटर से भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या होगा, ये जो रेज है डाइवर्ट होगी, ठीक है, ये रेज क्या होगी, डाइवर्ट होगी, दूर होती जाएगी, जैसे ये रेज है ये आपका इधर जाती जाएगी, ठीक है, ये आपकी जो रे है रिफ्लेक्टेड है ये उधर जाती जाएगी, तो आगे जाके ये क्या होती जाएंगी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, तो ये डाइवर्ट होती जाएंगी, आगे जाके ये कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आपका 6th वाला केस है बेटा, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आगे जाकर नहीं मिलेंगी, ये डाइवर्ट है, ये पैरेलल नहीं है, इनको पैरेलल मत समझिएगा, ठीक है। आप प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो आपको सारे डायग्राम क्लियर होंगे, है ना, तो ये आपकी डाइवर्ट होंगी, दूर दूर होंगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और भी रेज निकालोगे तो वो भी डाइवर्ट होंगी, ठीक है, स्कैटर होंगी। तो अब बात आती है कि मीन्स इसमें अगर रेज ही नहीं मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज ही नहीं मिलेंगी, तो हमारी इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इन रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये वाली जो रेज है इधर डाइवर्ट हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे इन्हें एक्सटेंड करते हैं, तो ये मैंने इसे एक्सटेंड किया और ये इसे मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉपर बना लीजिएगा। तो पीछे मैंने बेटा इसे एक पॉइंट पे मिला दिया, ठीक है, पीछे क्या किया मैंने, इसे एक पॉइंट पे मिला दिया, ठीक है, आप चाहे तो डॉट ऑफ करके भी शो कर सकते हैं, वैसे इसे डॉट ऑफ करके ही शो करिएगा, क्योंकि आप पीछे पीछे अपीयर कर रहे हैं, मतलब पीछे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, अब ये आप इसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये आपकी हो गई इमेज फॉर्म। अब जरा मुझे इसमें ये बताइए कि अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो इमेज है कैसी है, मतलब इसका नेचर क्या है, तो जरा फटाफट मुझे आंसर बताइए, आप मैसेज करके भी बता सकते हैं, आप बोल के भी बता सकते हैं, बताइए, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। कौन बोल रहा है बेटा, नाम बताइए आपका,
आपने रिप्लाई किया है? यस मैम। ओके ठीक है, और कोई बच्चा बोलना चाहेंगे? मिस इमेजिनरी। इमेजिनरी किसने बोला बेटा? ये इमेजिनरी नाम बताइए अपना। इमेजिनरी किसने बोला है? ओके आलोक का रिप्लाई आ गया है वर्चुअल, रिडायरेक्ट पे कृष्णा का रिप्लाई आ गया है वर्चुअल। ठीक है ओके, तो देखिए क्या है बेटा, सुनिए बिल्कुल राइट है आप लोगों का आंसर। जिन्होंने नहीं दिया मैं बता देती हूँ, जिन्हें पता है वेरी गुड, कि आपका जो बेटा ये इमेज है वो क्या है? वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? बिकॉज ये आपका कॉन्क्यू मिरर के पीछे बन रहा है ना। ठीक है, ये इमेज जो है आपके कॉन्क्यू मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, और ये इसीलिए क्या ये वर्चुअल है, हमने एक्सटेंड किया, रियल में वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ सब रियल में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही थी लेकिन यहाँ पर ऐसे रियल में नहीं है। ठीक है, इसे तो हमने एक्सटेंड कर लिया पीछे, तो ये क्या होंगी, ये आपकी होंगी वर्चुअल। ठीक है, ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। तो सारे हम इसके प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, मतलब पहले तो पोजीशन देखिए। तो पोजीशन आपकी किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? फोकस एंड पोल के बीच, एफ एंड पी। ओके नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? तो इमेज आपकी फॉर्म होगी बिहाइंड कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर के पीछे, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड कॉन्केव मिरर। साइज की बात करो, इमेज की साइज की बात करो, तो ऑब्जेक्ट का साइज देखिए ये है, और आपके इमेज का साइज कितना है? बड़ा है। ठीक है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या है? लार्ज है, तो क्या हो जाएगा? एनलार्ज। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो सबसे अलग है, मतलब हमारे फाइव केसेस से उनसे सबसे अलग क्या है, कि ये जो इमेज है आपकी वर्चुअल है क्योंकि कॉन्केव मिरर के पीछे बन रही है और सी भी बन रही है ना। ठीक है, तो इलेक्ट है। तो बेटा क्लियर हुआ, हमने ये पढ़े 6 केसेस। ठीक है, और इन्हें आप रटिएगा नहीं, समझिए। ठीक है, अच्छा एक चीज हो, जैसे जैसे आपने नोटिस किया, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, आपकी इमेज क्या होती जा रही थी? बड़ी होती जा रही है ना। पहले आपने कहा रखा था इंफिनिटी पे, इमेज आपकी छोटी सी थी है ना, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड थी। फिर आपने कहा रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, थोड़ी सी दिखने लगी, डिमिनिश्ड हो गई। फिर आपने रखा सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज का जो साइज था वो सेम हो गया, मतलब और बड़ी हुई। ठीक है, फिर आपने कहा रखा सेंटर और फोकस के बीच में रखा, तो इमेज क्या हुई? आपकी ऑब्जेक्ट भी बड़ी, मतलब और बड़ी हुई। फिर आपने कहाँ पे रखा? फोकस पे, तो फोकस पे रखा, तो आपकी इमेज क्या हुई? और हाईली एनलार्ज हुई। ठीक है, फिर आपने क्या रखा? फोकस इन पोल पे, फोकस इन पोल के बीच में, तो आपकी इमेज क्या हुई? लार्ज। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, आपकी इमेज का साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ना देखिए इन सब चीजों को जो भी 6 केसेस है उनको माइंड में फिट कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने की जरूरत पड़े या याद करने की जरूरत पड़े या रटने की जरूरत पड़े कि अरे ऐसा है तो ऐसा है। सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, हमें क्या करना है, 6 केसेस है। ठीक है, 6 ही केसेस इसमें अप्लाई होंगे। अरे आप 6 ही पोजिशन पे आप ऑब्जेक्ट को रख पाओगे? और कहीं आप ऑब्जेक्ट को रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, पोल पे तो आप रख नहीं पाओगे कि पोल क्यों है, पोल कहाँ पे, कौन क्यों मिरर के अंदर है, तो कहाँ पे रखोगे आप? तो आपका जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले तो आपने दूर रख दिया मिरर से, मतलब इंफिनिटी पोजीशन पे रख दिया। तो याद रखिएगा रेस हम निकाल देंगे, आप चाहे तो अच्छा हाँ याद रखिएगा ये भी कि जो इंफिनिटी पे होगा, मैंने आपको बताया था कि जो रेस होंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पोजिशन पे है, तो आपको 3 चीज बस याद रखनी है। एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है आपकी? सेंटर, मतलब इंफिनिटी पे। सेकंड,
इमेज कहाँ फॉर्म होगी? तो अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज आपकी फॉर्म होगी फोकस पे, ठीक है? तो ये आप पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा आप कि आपकी इमेज का साइज क्या होगा बेटा। तो आपकी इमेज अगर इंफिनिटी पर है तो उस इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एक पॉइंट के बराबर, ठीक है? उसके बाद उसके नेचर की बात करें तो सभी पांचों केसेस में नेचर सेम है ना। तो क्या होगा, मिरर के सामने बन रही है तो रियल इमेज है, और साथ ही हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो भले हमें वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, लेकिन हमें ये पता है कि रियल इमेज हमेशा कैसी फॉर्म होती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है, ठीक है? तो ये हुआ आपका पहला केस, है ना, रखने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा पास में रख दिया। पास में कहाँ रखेंगे, सेंटर के थोड़ा सा डिस्टेंस पे, सेंटर के पीछे, बिहाइंड द सेंटर। उस पोजीशन पे हमने क्या देखा कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो फॉर्म हो रही थी कहाँ पर, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है? यही फॉर्म हो रही थी ना, सेंटर और फोकस के बीच में। लेकिन वो जो इमेज थी वो भी डिमिनिश्ड थी, मतलब दिखाई तो दे रही थी पॉइंट के जैसे, नहीं कि पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी थी, है ना? और उसका अगर हम बात करें कि उसका नेचर कैसा था, तो वो भी बेटा आपकी रियल थी और इन्वर्टेड थी। तीसरी बार हमने क्या कर दिया, सेंटर के ऊपर ही रख दिया, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगी, ठीक है? साइज की बात करें तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज का साइज सेम रहेगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का रहेगा, तो सेम साइज का रहेगा। थर्ड अगर बात करें तो क्या है, आपकी रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा तो हमारी इमेज जो कहाँ फॉर्म हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है? साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा जब सेंटर को क्रॉस कर लिया, मतलब जब एक ही पोजीशन पे आ गए उसके बाद आगे बढ़ी आपकी इमेज तो बड़ी होती जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लार्ज होगा, है ना? और नेचर की बात करें तो सेम क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है? उसके बाद आपने कहाँ रख दिया, आपने रख दिया फोकस पे। आप फोकस पे रखा तो जो इमेज है वो कैसी आपको दिखाई देंगी, जो रेज वो कैसी दिखाई देंगी, आपकी पैरेलल, है ना? रिफ्लेक्टेड रेज कैसी दिखाई देंगी, आपकी पैरेलल। लेकिन बेटा वो आगे जाके एक पॉइंट पर मिलेंगी, मतलब वो इंफिनिटी पोजिशन पे हमारी जो इमेज है वो फॉर्म होगी, ठीक है? साइज की बात करें तो इंफिनिटी पोजिशन पे जाके मिल रही है तो साइज क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है? नेचर की बात करें तो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है? अब हम आते हैं हमारा सबसे जो लास्ट केस है और जो कि सबसे यूनिक है, इन पांचों केसेस से यूनिक है, क्या है? अब हमने रखा पोल और फोकस के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को, तो हमने देखा जो रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो स्कैटर होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है, तो हमने पता था कि आगे जाके तो इनको मिलना है नहीं, तो हम क्या करें, हमने क्या किया, इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया और एक पॉइंट पे मिलाया, ठीक है? तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिली वहां पे मेरी इमेज फॉर्म हो गई। अब ये क्योंकि ये कॉन्केव मिरर के पीछे है, बिहाइंड है, तो ऑब्वियसली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज आपने देखा कैसी बन रही है, इरेक्ट हो रही है, तो इरेक्ट हो गया, है ना, इरेक्ट इमेज बन गई। साइज की बात करूं तो साइज जो है ऑब्जेक्ट से लार्ज है तो एनलार्ज हो गया। तो ये टोटल आपकी 6 केसेस थे जो कि हमने 2 दिन के लेक्चर में पढ़े। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आए होंगे। तो समझ में आए बेटा सभी को? Yes, yes, ma'am. Yes, पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे जो भी 6 रे डायग्राम है, 6 केसेस के जो रे डायग्राम है आपके कॉन्केव मिरर के, ये मुझे आपको करना है व्हाट्सएप, ठीक है? तो आज जिन बच्चों ने एल्जेब्रा बुक नहीं किया था, कल मैं उम्मीद करूंगी कि वो सारे बच्चे अपना एल्जेब्रा बुक पूरा कम्प्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके बेटा, अब हमारे पास अभी बच्चा है सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए, इतना जो भी हमने पढ़ा इसमें अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए फटाफट। सुहानी यादव, आपको कुछ पूछना है बेटा? यस मिस, पॉइंट फोर्थ। पॉइंट फोर क्वेश्चन, पॉइंट फोर आपको पूछना है, ठीक है? ठीक है, पॉइंट फोर में क्या पूछना है, पूरा एक्सप्लेन करूं या पर्टिकुलर कोई चीज आपको पूछनी है?
इस मेन पॉइंट से पॉइंट फोर एक्सप्लेन कर दू. ओके ठीक है, देखिए पॉइंट फोर में बता देती हूँ, एक मिनट बचा है वैसे मैं कल से बता पाऊंगी. ठीक है, क्या है फटाफट में डायग्राम बना देती हूँ, ये डायग्राम हो गया आपका. ठीक है, पॉइंट फोर में क्या था आपका, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता. ठीक है, पहला पे इंफिनिटी, सेकंड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड पे आपका सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ पे आई थिंक यहाँ रखा होगा, इसी पे बना देती हूँ मैं. ठीक है, सेंटर एंड फोकस के बीच में. ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, ये जो रेज हो जाएंगी है ना सुहानी, टाइम बहुत कम है तो एक काम करते हैं, मैं आपको कल बताऊंगी, अभी मैं बता नहीं पाऊंगी और मीटिंग ओवर हो जाएगी. ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल से भी क्लास स्टार्ट करूंगी तो स्टार्टिंग में बता. ठीक है बेटा, तो अभी के लिए बाय एवरीवन, फिर हम कल मिलते हैं. ठीक है, ओके बाय मैम.